वेलकम जैनिक एजुकेशन. लेट्स टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स. हम प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि किस तरह की इवेंट डिपेंडेंट होती हैं और इंडिपेंडेंट होती हैं, तो उस पर बेस्ड अभी हम क्वेश्चन करना सीखेंगे. और हमें कैसे टारगेट करना है, बहुत सिंपल है. टारगेट करना बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है. प्रॉबेबिलिटी, बस आप एक बार क्वेश्चन को पहले रीड करिए. देखिए यहाँ पे, थ्री पर्सन्स पी क्यू एंड आर इंडिपेंडेंटली ट्राई टू हिट अ टारगेट. If the probability of their hitting the target is 3/4, अगर P target hit करेगा तो उसकी probability क्या है 3/4, Q अगर hit करेगा उसकी probability क्या है 1/2, और अगर R hit करेगा तो उसकी probability है 5/8 respectively. Then the probability that target is hit by P or Q. P or Q तो target करें, either P करें और Q करें, but R ना करें, ये पूछा गया है. तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है, उस चीज पे हम ध्यान देते हैं. हमको इस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछी है. हमने क्या सिखाया है, जब भी तुम्हें और लगाओ, इसका मतलब क्या हो गया, पी यूनियन क्यू, ये दोनों तो करेंगे टारगेट, बिकॉज आइदर पी अकर और क्यू अकर. तो दैट्स द मीनिंग इज इफ एटलीस्ट वन अकर, और यहां पे और है तो और के लिए मैंने किसका इस्तेमाल किया है, यूनियन ऑपरेटर का, राइट. तो अब यहां पे क्या पूछा है, पी और क्यू तो टारगेट करें बट क्यू नहीं कर रहा है, आर नहीं कर रहा है. तो अब देखो यहां पे ये एक इवेंट मान लेता हूं मैं और ये दूसरी इवेंट है, ये नहीं कर रही है. तो अगर मान लो मेरे पास यहां पर आर इवेंट है तो ये इवेंट तो अकर की है, दिस इज कॉल्ड अ अकरिंग, और ये क्या है, नॉट अकरिंग. तो इसका मतलब क्या हुआ, पी आर डैश हमको पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वन माइनस पी ऑफ आर. दिस इज द मीनिंग ऑफ नॉट हिट, राइट, कि अगर ये हिट नहीं करेगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वन माइनस पी आर. अगर मुझे दोनों इवेंट को साथ में लिखना, एक इवेंट ये मान लेता हूं दूसरी ये मान लेता हूं, तो मुझे इंटरसेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा इन आर डैश. यही तो हमें पता करना है कि पी और क्यू तो टारगेट करें बट आर ना करें, हमें ये पता करना है. तो ये हम कैसे निकालेंगे, देखो हमने क्या बताया, ये दोनों इवेंट कैसी हैं, इंडिपेंडेंट हैं. क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसने बोला हुआ है कि पी क्यू आर ये इंडिपेंडेंटली टारगेट कर रहे हैं किसी भी सिस्टम को. तो हमने क्या किया, यहां पे इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, और हमने सिखाया है आप लोगों को कि पी ऑफ, अगर नहीं याद है तो यहां पे रिफ्रेश कर लीजिए अपने आप को, ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के बराबर होता है. तो यहां पे अगर मैं इसको इमेजिनेशन में थोड़ी देर के लिए इसको वन मान लेता हूं, वन इवेंट है, और इस इवेंट को मान लेता हूं टू इवेंट, तो ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट है. तो दोनों इवेंट को मैं कैसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ आर डैश आ गया हमारे पास, राइट. अब हम क्या करें, सबसे पहले तो पी यूनियन क्यू निकालें, इसके बाद हम क्या करें उसको आर डैश से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्या पता चल जाएगा कि पी और क्यू को तो टारगेट किसी भी इंडिपेंडेंटली पर्सन टारगेट को हिट कर रहे हैं बट क्यू को आर को नहीं कर रहे हैं. तो यहां पे क्या करेंगे देखते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज गिवन 3/4, प्रोबेबिलिटी क्यू इज गिवन 1/2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटू क्यू. अगर पी और क्यू अगर दोनों इवेंट, ये दोनों इवेंट जो हैं मेरे पास अगर इंडिपेंडेंट है, पी एंड क्यू आर इंडिपेंडेंट, दैट्स अ क्वेश्चन सेज, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, तो यहां पर आ सकता है. तो हम क्या करें, अब इन सब की वैल्यू रखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू, तो यहां पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इज 1/3/4
plus 1 by 2 minus 3 by 4 into 1 by 2. Clear? So 3 by 4, 1 by 2 is 10 by 8 minus 3. This is a 7 by 8. Probability of P union Q is probability of P, probability of Q minus probability of P intersection Q. So probability of P minus probability of Q minus probability of P into probability of Q. So 3 by 4, 1 by 2 minus 3 by 4 into 1 by 2 equals 7 by 8. So ye humne probability to nikal li. Ab hum dekhte hain yahan pe kis tarike se pure questions ko yahan pe solve karna hai. So question is done already. So humko kya nikalna tha? Probability P or Q is hit the target but not Q. But not Q is the meaning of both events, right? Clear? So yahan pe kya kiya, ab kya aayega? Probability of P intersection Q into probability of R dash. And the probability of P union Q is 7 by 8. Multiply. Clear? P R dash. That's the probability of P R dash. P R dash. So 1 minus P of R. 1 minus P of R. Clear? So P of R, P of R is probability 5 by 8. Is clear? So then is P R dash probability is 1 minus 5 by 8 is 3 by 8. Is clear? So that's the meaning is 7 by 8 into 3 by 8 is 21 by 64. This is the probability ke P or Q to target karenge hit ko P or Q but R target nahi karega. To ye dhyan rakhna hai, jaisa bhi question mein pucha jayega, hame usi tarah ke questions ko analysis karke nikalna hai. It's a very simple question. Aisa kuch nahi hai ki aapko ratne ki jarurat hai. Aapko sirf fundamentally jo rules hain, जो जेनिक एजुकेशन पे आपके YouTube के वीडियोस डले हैं, मैंने अपलोड कर रखे हैं, उन चीजों को ध्यान से देखिए कि P और Q तो नहीं करेंगे तो यूनियन ले लिया, और R क्या है, R नहीं कर रहा है, तो जब नहीं कर रहा है तो मैंने इंटरसेक्शन ले लिया क्योंकि दो इवेंट है, अगर दो इवेंट है तो हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि पी क्यू और आर तीनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो हमारा क्या निकला है 61/21/64. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two cards are drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that either both are red or both are kings? हमको ये पता लगाना है कि या तो वो red होने चाहिए और king होने चाहिए, और हमको कितने card draw करने हैं? Two cards draw करने हैं. और pack of cards कितने हैं हमारे पास? 52 cards, right? यहाँ पे देखते हैं किस तरह से categorize करेंगे. Event हमारे पास क्या हैं? या तो ई अकर हो रहा है और किंग, राइट? टू इवेंट्स. क्लियर? तो हम एक बार देखते हैं यहां पे क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करेंगे. तो सबसे पहले हम सैंपल स्पेस के टोटल साइज पे जाएं और फिर ये देखें कि यहां पे क्या अप्लाई होना है क्या नहीं होना है. एकदम क्वेश्चन ना करें, जस्ट टू थिंक इट कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है, पहले वो चीजें देखें तो ज्यादा बेटर रहेगा. तो मैंने क्या किया, यहां देखिए टोटल मेरे पास कितने कार्ड हैं, 52 कार्ड्स, राइट? हमारे पास एक डैक है जिसमें 52 कार्ड्स हैं, राइट? अब उसमें पूछा है कि आइदर बोथ आर रेड एंड बोथ आर किंग्स, राइट? तो हम पहले ये देखेंगे रेड कार्ड कितने हैं. तो हमको पता है कि 52 कार्ड्स में जिनको कार्ड्स का अनुभव नहीं है तो वो देख सकते हैं ऐसे, या तो रेड में डिस्ट्रीब्यूशन होगा और यहां ब्लैक में. क्लियर? तो रेड कार्ड कितने हैं हमारे पास, 26. ब्लैक कितने हैं हमारे पास, 26, राइट? द डिस्ट्रीब्यूटेड हाफ ऑफ 26 और 26. यहां पे क्या है, रेड कार्ड के पास दो तरह की चीजें हैं, या तो आपके पास क्लब है और आपके पास स्पैड है. क्लियर? यहां आपके पास क्या क्या है, यहां आपके पास हार्ट है और यहां आपके पास डायमंड है. क्या क्या इनको बोलते हैं देख लेते हैं. या तो आपके पास चिड़ी है, हुकुम है, यहां क्या है लाल पान, और यहां क्या हो गया ईंट. तो बेसिकली चार तरीके के पत्ते हैं. तो अब हमको पता पहले करें कि रेड कार्ड कितने हैं. तो मुझे पता चला नंबर ऑफ रेड कार्ड इज 26 एंड नंबर ऑफ किंग्स
number of kings is 4. Clear? Club का एक king हो गया, यहाँ spade का, यहाँ heart का और एक diamond का, right? तो अब हम यहाँ पे कैसे approach करेंगे? हमारे पास 52 cards हैं, तो हमें कितने कार्ड ड्रॉ करने हैं पूरा देखते हैं एक बार, किस तरीके से हमको अप्लाई करना है रूल को, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, यहां देखते हैं हमारे पास टोटल कार्ड हैं कितने, 52 कार्ड्स, राइट। 52 कार्ड्स में हमारे पास दो तरह की इवेंट हैं, एक इवेंट हमारे पास है रेड कार्ड की और दूसरी इवेंट है हमारे पास किंग की। लेकिन हमें एक चीज पे और ध्यान देना होगा, कुछ कार्ड ऐसे भी होंगे जो रेड भी होंगे और किंग भी होंगे। वो कौन से कार्ड हैं? वो एक तो कार्ड आपका हार्ट है, यहां पे भी आपका एक किंग होगा और यहां पे भी एक आपका किंग होगा, क्लियर। तो यहां पे दो किंग ऐसे होंगे जो ऑलरेडी रेड भी होंगे और किंग भी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो इवेंट हैं इनके बीच में समथिंग इज कॉमन, यहां पे कुछ कॉमन आ रहा है। तो कॉमन पोर्शन क्या होगा, हमने क्या बताया था कॉमन के लिए? कॉमन इज वेरी स्पेशल थिंग इज सिंपल इज रेड इंटरसेक्शन किंग। हमारे पास क्या है? रेड इंटरसेक्शन किंग। बिकॉज अगर रेड कार्ड हैं और किंग कार्ड हैं, उसमें किंग ऐसे भी हैं जो कि आपके क्या है, रेड है, वो हार्ट है और क्या है, डायमंड। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ इनके बीच में कॉमन है, तो दिस इज अ समथिंग इज कॉमन। तो हमने सिखाया है आप लोगों को, जब भी हमारे पास समथिंग इज कॉमन होगा, द यूज द वेन डायग्राम इज दिस इज इवेंट इज रेड एंड दिस इज इवेंट इज किंग। इज क्लियर और नॉट? इज क्लियर। तो दिस इज अ कॉमन पॉइंट, दिस इज कॉमन एंड दिस पॉइंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन किंग। इज क्लियर? और यहां पे प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। और यहां क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, राइट। तो यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग है, यहां प्रोबेबिलिटी रेड वर्सेस किंग है। हमने क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ था वो सारा मैंने इलस्ट्रेशन के माध्यम से यहां पर नोट डाउन कर दिया, राइट। अब हमें क्या निकालना है? हमें यह निकालना है कि बोथ आर रेड और बोथ आर किंग, तो और ऑपरेटर का इस्तेमाल करना है। तो और का अगर वो पूछ रहा है तो दैट्स अ मीनिंग सिंपली कि वो यूनियन के बारे में जानना चाहता है। इसका मतलब आइदर रेड अकर और किंग अकर और बोथ अकर या इफ एटलीस्ट वन अकर। तो यहां पे देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमको दो कार्ड ड्रॉ करना है, कितने कार्ड? दो कार्ड, दो कार्ड ड्रॉ करना है हमको, दो कार्ड। हमारे पास रेड की प्रोबेबिलिटी निकालना है, किंग की निकालना है और रेड इंटरसेक्शन किंग की भी निकालना है। तो यहां देखते हैं, तो हम एक डायग्राम्स के थ्रू एलस्ट्रेशन से समझेंगे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पे हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, इसमें हमारे पास 26 कार्ड्स की एक इवेंट है और हमारे पास किंग कितने होते हैं? 4। और दूसरी इवेंट है हमारे पास 4 किंग्स की। ये हमारे पास सैंपल स्पेस है, राइट। तो यहां पर हम नोट डाउन कर सकते हैं कि हमारे पास 26 कार्ड हैं, यहां 4 कार्ड हैं और यहां पे हमारे पास 2 कार्ड है। आई विल एक्सप्लेन कि हमारे पास रेड, हमको पता है कि 26 कार्ड होते हैं, किंग के 4 कार्ड होते हैं और जो रेड भी हैं वो किंग भी हैं, वो 2 कार्ड हैं, एक तो डायमंड का और एक हार्ट का। अब हम क्या करना है, हमको 2 कार्ड ड्रॉ करना है। तो पहले देखते हैं, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। अगर क्वेश्चंस में अगर कोई नोटिफाइड नहीं करके दिया है उसने कि विद रिप्लेसमेंट है और विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो क्वेश्चन में हम हमेशा मेंशन करके रखेंगे कि वो केस हमेशा कैसा होगा, विदाउट रिप्लेसमेंट का होगा, राइट। तो हम सबसे पहले 2 कार्ड्स ड्रॉ करते हैं। तो पहले हम क्या करें, पहले 1 कार्ड ड्रॉ करते हैं 1 बाई 1, राइट। तो हमने एक कार्ड ड्रॉ किया और सबसे पहले मैं देख रहा हूं किसकी प्रॉबिलिटी, रेड की। तो यहां पर हम देखते हैं प्रॉबिलिटी ऑफ फर्स्ट रेड, तो फर्स्ट रेड हमने निकाला क्या आएगा, 26 माई फेवरेबल डिवाइड बाई 52। तो यहां आ गया 26/52, इज राइट। अब हम जब नेक्स्ट कार्ड निकालेंगे तो ऑब्वियसली इसमें से एक रेड कार्ड कम हो गया होगा और टोटल में भी एक कम हो गया होगा। तो अगर हम दोनों निकालते हैं
टू रेड कार्ड्स तब क्या होगा 26/52। नेक्स्ट कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 25/51। इन दोनों कार्डों को हमें साथ में निकालना है और जब काम साथ में हो तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं और जब काम इंडिविजुअल हो तो हमेशा हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे ये प्रोबेबिलिटी हमारी रेड कार्ड की आ गई। अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग, वो क्या आएगा। तो यहां पे 4 है तो 4/52 इंटू 3/51। इज सिमिलर थिंकिंग। द नेक्स्ट थिंकिंग इज प्रोबेबिलिटी रेड इंटरसेक्शन किंग, दिस इज द कॉमन पार्ट। क्यों? क्योंकि रेड में भी किंग यहां भी आ चुका है और किंग यहां भी आ चुका है, तो दो बार आ गया है तो उसको हम क्या कर दें, हटा देते हैं। तो कितने कार्ड है हमारे पास जो रेड भी हैं और किंग भी हैं, वो दो कार्ड हैं। तो 2/52 इंटू 1/51। वो रेड और किंग कौन कौन से कार्ड हो सकते हैं, आई विल मेंशन इट, हार्ट और डायमंड। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी निकल आई। अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा है, प्रोबेबिलिटी रेड यूनियन किंग क्या बनेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इंटरसेक्शन किंग। तो यहां पे निकाल देते हैं तो हमारे पास क्या मिल रहा है देखते हैं। यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 26 इंटू 25 डिवाइड बाय 52 इंटू 51 प्लस 4 इंटू 3 52 इंटू 51 माइनस 2 इंटू 1 52 इंटू 51। दिस इज द आंसर 660/2652। तो हमको मिल गई प्रोबेबिलिटी रेड की और किंग की। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को करते समय आप लोग बस ये ध्यान रखिए कि सबसे पहले आप चीजें फंडामेंटली सीखिए, उन चीजों को फंडामेंटल करने के लिए आप डायग्राम्स का यूज करिए, उनमें देखिए कितने टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हैं या नहीं है। अगर हैं तो आप प्रोबेबिलिटी मेजर करिए, अगर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी मेजर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थर्ड क्वेश्चन इज लेट एस बी द सैंपल स्पेस एंड टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स ए एंड बी सच दैट ए यूनियन बी इक्वल एस इफ पी डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी इनटू पीबी। हमको मैक्सिमाइज करना है पी इनटू पीबी को, तो इसका मतलब अगर मैक्सिमाइज करना है तो सबसे पहले हम पी इनटू पीबी की वैल्यू तो पता करें कि क्या होगी क्या नहीं होगी। तो सबसे पहले जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम वैसे ही चलते हैं। तो यहां देखते हैं जिस तरह से क्वेश्चन बोल रहा है, यहां देखो बहुत सिंपल फंडामेंटल्स। उसने बोला है कि ए और बी कैसी इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी, इज क्लियर। इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो हम ये कह सकते हैं ए और बी या ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट एंड देन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव या जीरो, राइट। इज अ सिमिलर थिंकिंग, राइट। तो अब यहां पे करके देखते हैं क्या है। दूसरा उसने क्या बोला, सच दैट ए यूनियन बी इक्वल एस, शायद ये कुछ काम दे सकता है, देखते हैं इससे कुछ रिजल्ट निकालने की। सब क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है तो सबसे पहले ध्यान रखना है रीड द प्रॉब्लम, द सेकंड थिंकिंग इज अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, इसके बाद आप कुछ लगाइए कि कैसे करना है। तो यहां देखते हैं ए यूनियन बी इक्वल क्या है, एस, राइट। तो हम यहां पे क्या करें, यहां पे हम कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। एस इज द मीनिंग इज प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट का मतलब होता है कि ऐसी इवेंट जो कि श्योरली डिफाइंड है, मतलब श्योर होगी। जस्ट लाइक अ एग्जाम्पल के सन जो है हमेशा राइस कहां से करेगा, ईस्ट से करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी वन है, उसमें कुछ लगाने का ऐसा आवश्यकता नहीं है, कोई रूल नहीं है। तो ये श्योर इवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने क्या कर दी है, वन कर दिया। दिस इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। इज क्लियर और नॉट, ये चीजें आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर कितना निकल आया हमारे लिए, वन।
हमको पता है कि अगर दोनों इवेंट अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो ये किसके बराबर होंगी, पीए प्लस पीबी के बराबर होंगी। ये चीज हम पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। तो यहां पे ए बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, तो यहां पे कर देते हैं क्या है, पीए प्लस पीबी बराबर कितना आ गया हमारे पास, वन, एक रूल हमें मिल गया। तो नाइन्थ क्लास में इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आते थे कि x प्लस वाई बराबर वन है तो x इंटू वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद कर सकते हैं आप लोग। तो आप देखो यहां पे कैसे निकालेंगे, तो अगर मैं PA को x मान लेता हूं तो PB क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वन माइनस x हो जाएगा, राइट, क्लियर। एंड देन PA इंटू PB क्या होगा, PA इंटू PB बराबर, पीए को मैंने क्या माना है एक्स और पीबी को क्या माना है मैंने वन माइनस एक्स, तो यहां क्या आ गया एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड अ पीए इंटू पीबी। बन गया कौन सा क्वेश्चन आपका, सिंपल एक पॉलिनोमियल आई है और इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो अब आप इलेवेंथ और ट्वेल्थ में मैक्सिमम मिनिमा पढ़ते ही हैं, वहां से यहां से मैक्सिमम वैल्यू पता कर सकते हैं फंक्शंस की क्या आएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं क्या मिलेगी हमें, पीए पीए इंटू पीबी, दिस द मीनिंग इज पीए इज एक्स एंड दिस इज वन माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो पीए इंटू पीबी हमारा क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम एक काम करते हैं, पीए इंटू पीबी को एक नया नोटेशन दे देते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, इसको क्या नाम मान लेते हैं हम, फंक्शन ऑफ एक्स। अगर फंक्शन ऑफ एक्स को अगर हम मैक्सिमाइज कर दें तो पीए इंटू पीबी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो एक बार हम आपको रिफ्रेशमेंट कर देते हैं, अगर आप मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन भूल गए हैं तो यहां पर देख सकते हैं, अगर हमको मैक्सिमा मिनिमा निकालना है तो अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल फंक्शन ऑफ x, तो सबसे पहले क्या करें हम dy अपॉन dx निकालें और उसको जीरो के बराबर कर दें, क्योंकि dy अपॉन dx बराबर जीरो करने पे हमें क्या मिल जाएगा, स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा, राइट, क्लियर, हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट आ गया। देन नेक्स्ट कंडीशन क्या हम करते हैं चेक करने के लिए, देखिए यहां, इफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू ग्रेटर जीरो, अगर वो जीरो से बड़ी आ रही है चीज तो हमेशा मिनिमा होगा, क्लियर। अगर डी टू वाई बाई डी एक्स टू अगर लेस जीरो आ रहा है तो क्या होगा, मैक्सिमा होगा, क्लियर है। अगर हमारे पास थर्ड कंडीशन इज, अगर हमारे पास थर्ड कंडीशन आ रही है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर जीरो है तो हम कहेंगे नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा की कंडीशन होगी। तो यहां पे हम कह सकते हैं पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन जस्ट कॉल्ड इज नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा, दैट इज अ सडन चेंज ऑफ द ग्राफ। तो हम क्या करें, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर जीरो निकाल देते हैं। तो यहां से करते हैं एफ डैश एक्स बराबर क्या आया, एक्स का डेरिवेटिव इज वन एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, इसको किसके बराबर हम कर दें, जीरो के बराबर कर सकते हैं। तो यहां पे हमें x मिला क्या 1 बाई टू, तो ये जो 1 बाई टू पॉइंट आया है इस पॉइंट का नाम मैंने दिया स्टेशनरी पॉइंट, राइट, ये स्टेशनरी पॉइंट मिल गया है। अब मैं क्या करूं, इसी फंक्शन को हम अगेन डेरिवेट करके देखें क्या वो ग्रेटर जीरो है या लेस जीरो है। तो यहां देखते हैं एफ डबल डैश एक्स बराबर माइनस टू, दिस इज द माइनस टू, दैट्स अ मीनिंग एफ डबल डैश एक्स लेस जीरो, लेस जीरो दैट्स अ केसेस मैक्सिमा एट पॉइंट एक्स इक्वल वन बाई टू। आई विल एक्सप्लेन इन मैक्सिमा मिनिमा इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल इन कैलकुलस कोर्स, राइट। तो इज अ ओनली समराइज फॉर्म कि हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हम इस तरह से देख सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आपको अभी क्रैश कोर्स में जिस तरीके से जल्दी सीख सकते हो आप सीखिए। तो यहां पे आ गया एफ डबल डैश एक्स लेस जीरो इज मैक्सिमा एट पॉइंट एक्स इक्वल वन बाई टू, राइट। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू, अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकालें
किस पॉइंट पे x इक्वल 1 बाई 2 पे, तो एफ एक्स हमने क्या माना था, ओरिजिनल फंक्शन हमारा क्या है, x माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, क्लियर। अब हमें किस पे निकालना है मैक्सिमम वैल्यू, हमारी 1 बाई 2 पे, तो हम यहां पे वैल्यू रख देते हैं 1 बाई 2, तो यहां क्या आया 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 का स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड 1 बाई 2, तो यहां पे हमें क्या मिल गया एफ एक्स इक्वल 1 बाई 2, तो ये एफ एक्स की क्या आ गई मैक्सिमम वैल्यू, और एफ एक्स क्या था पी ए और पी बी के बराबर था, पी ए इंटू पी बी, तो यहां लिख सकते हैं पी ए इंटू पी बी बराबर 1 बाई 2, सॉरी 1 बाई 4, इस क्लियर 1 बाई 4, तो पी ए और पी बी की मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 बाई 4। तो आप इस तरीके से भी अटैच कर सकते हो क्वेश्चन को, या इससे बेटर है अगर आप दूसरा फंडामेंटल चाहते हो तो विद इन सेकेंड्स में हो जाएगा, कैसे एक बार हम वो भी देख लेते हैं। इसको कैसे करेंगे, तो इसको हटाते हैं, एक बार हम दूसरा फंडामेंटल भी देख लेते हैं किस तरह से करना है। हमको एक इनइक्वालिटी हम लोग पढ़ते हैं, ए एम ग्रेटर देन इक्वल जी एम, इज अ वेरी फेमस इनइक्वालिटी ए एम ग्रेटर देन जी एम, कि हमें दो चीजों का अर्थमैटिक मीन उसके ज्योमेट्रिक मीन से क्या होता है बड़ा होता है। तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे, तो हम यहां क्या करें पी ए प्लस पी बी डिवाइड टू, बिकॉज अर्थमैटिक मीन ये होता है ए प्लस बी बाई टू, ग्रेटर देन इक्वल अंडर रूट ऑफ पी ए इंटू पी बी। हमें मैक्सिमाइज किसको करना है, पी ए इंटू पी बी को, देन आई थिंक तुमको पता होगा कि पी ए और पी बी की वैल्यू मैक्सिमम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कितनी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, तो यहां लिख देते हैं 1 बाई 2, क्लियर, ग्रेटर देन इक्वल अंडर रूट पी ए इंटू पी बी। तो बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो यहां क्या मिला हमें 1 बाई 4 देन पी ए इंटू पी बी। इसका मतलब क्या हुआ कि पी ए इंटू पी बी की मैक्सिमम वैल्यू हम यहां से भी पता कर सकते हैं कि वो 1 बाई 4 ही होगी, और यहां से भी हमने बाई कैलकुलस भी हमने पता कर लिया। अगर हम चाहें तो कैलकुलस का यूज करें, अगर कैलकुलस से नहीं कर पा रहे हैं तो इस्तेमाल हम ज्योमेट्री का कर सकते हैं, ज्योमेट्री के थ्रू इनइक्वालिटी के थ्रू भी हम लोग इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4th, ई एंड लेट ई एंड एफ बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ दैम, दिस द आ गया क्वेश्चन, आप लोगों को भी पढ़ाया है मैंने, एग्जैक्टली वन ऑफ दैम अकर्स इज 11/25 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ दैम, ये भी आ गया, सो कॉल्ड अ नन ऑफ दैम, राइट, अकरिंग इज 2/25, ये दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। उसने क्या पूछा है, पी और पी एफ की वैल्यू क्या होगी, हमें ये पता करना है, तो यहां देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोली है, यहां ध्यान दो, हमने क्या बताया था कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स कभी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, दे डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, राइट। तो यहां ऐसा मत करें, ई और एफ को ऐसे मत बनाएं, दिस इज द रॉन्ग मेथड, राइट, बिकॉज ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, क्या पता समथिंग इज कॉमन, उसने ऐसा नहीं बोला है कि ई एंड एफ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, उसने ऐसा नहीं बोला है, अगर ऐसा बोला होता तो हम फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का केस लेते हैं, अभी उसने बोला है इंडिपेंडेंट इवेंट, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हम क्या करेंगे अभी देखते हैं। तो ये अप्रोच बिल्कुल ना लगाएं, ये अप्रोच रॉन्ग, क्योंकि अभी हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये भी देख चुके हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इंडिपेंडेंट हो या ना हो। तो अब हम कैसे करेंगे देखते हैं यहां पे, तो ये अप्रोच नहीं लगानी है आपको, द सेकंड अप्रोच इस्तेमाल करके देखते हैं अब क्या है। तो हमने क्या किया, यहां देखिए ध्यान से, एक ई इवेंट है और एक एफ इवेंट है, राइट, क्लियर, एंड देन द टोटल सैंपल स्पेस इज एस, राइट, क्लियर। अब हमने क्या किया, यहां पे समथिंग इज कॉमन, दिस समथिंग इज कॉमन इज दिस, दिस इज ई इंटरसेक्शन एफ, राइट, समथिंग इज कॉमन, दिस इज अ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ये हमने निकाल दिया। उसने क्या पूछा है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर, दिस आर एग्जैक्टली वन ऑफ देम, दैट्स द मीनिंग इज एग्जैक्टली वन ऑफ देम आइदर दिस और दिस इज राइट। तो देखते हैं यहां पे कैसे करेंगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ
exactly one acre is 11/25. और एग्जैक्टली वन अकर मैंने पहले से ही लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है कि हम एग्जैक्टली वन अकर कैसे निकालेंगे. देखो यहां पे एक बार देख सकते हैं अगर जिन बच्चों को दिक्कत है अभी भी. यहां पे हम क्या ले लें, एक एफ इवेंट एफ डैश, या तो एफ हो सकता है या नहीं हो सकता है, या ई हो सकता है और ई नहीं हो सकता है. अगर हम कंपाउंड मिक्सचर करेंगे तो, या कंपाउंड इवेंट, तो क्या बनेगा, इंटरसेक्शन एफ ई डैश एफ डैश इंटरसेक्शन ई एंड ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश. ये आ गया. तो एग्जैक्टली वन कहां दिख रहा है, एग्जैक्टली वन यहां पे, यहां देखो, ये एग्जैक्टली वन का केस है. एग्जैक्टली वन, दिस इज द केस इज एग्जैक्टली वन. और एग्जैक्टली वन का मतलब क्या हो गया, या तो ई अकर हो सकता है और एफ अकर हो सकता है. तो हमें इनके लिए क्या लेना होगा, यूनियन का इस्तेमाल करना होगा. तो यूनियन का इस्तेमाल करते समय हम क्या करेंगे, देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश यूनियन एफ डैश इंटरसेक्शन ई बराबर 11/25. ये दोनों अलग अलग क्या है, या तो ये अकर हो सकती है या ये अकर हो सकती है, तो दोनों इंडिपेंडेंट हैं. तो दिस केस इज पी ई इंटरसेक्शन एफ डैश मल्टीप्लाई पी एफ डैश इंटरसेक्शन ई. इन दोनों को हमने प्लस में ले लिया. क्यों, या तो ये अकर होगी और ये अकर होगी, और इंडिविजुअली दोनों अलग अलग टाइप में अकर होंगी, या तो ये हो सकती है या ये हो सकती है, बराबर 11/25. या तो ये तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, और इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, मैंने बताया है, पी प्लस पी एफ माइनस टू पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 11/25. या तो ये काम कर सकते हो आप लोग, क्लियर है. तो या तो इस तरह से इक्वेशन बनाओ. एक दूसरा तरीका और बताता हूं मैं, अगर आपको वो ठीक लगता है तो आप वैसा कर सकते हो. यहां देखिए दूसरा तरीका क्या है, यहां ध्यान रखिए, दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि मान लो अगर कोई एक जॉब वैकेंसी निकली हुई है, राइट, और सिर्फ एक पोस्ट है, क्लियर है, जॉब वैकेंसी की सिर्फ एक पोस्ट निकली है, राइट, क्लियर. और यहां पे मैं और मेरा फ्रेंड यश, दिस इज राहुल एंड दिस इज यश, अगर दोनों लोग हम लोग एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो हम क्या करेंगे, अगर एक ही जॉब है तो क्या होगा, राहुल जाएगा बट गोलू का वहां पे सिलेक्शन नहीं होगा, यश का सिलेक्शन नहीं होगा उसका, राइट, क्लियर. प्लस यश का सिलेक्शन हो गया और राहुल का नहीं होगा, यही तो कंडीशन बनेगी. एक आदमी जाएगा, अगर वो सिलेक्ट हो गया तो यश सिलेक्ट नहीं होगा, अगर यस सिलेक्ट हो गया तो राहुल सिलेक्ट नहीं होगा, क्लियर है इतना बात. तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी, अगर राहुल की प्रोबेबिलिटी मैं ई मान लूं और इसको एफ मान लूं तो क्या बना, ई प्रोबेबिलिटी वन माइनस पी एफ प्लस पी एफ वन माइनस पी, इज द कंडीशन, ये प्रोबेबिलिटी बन गई हमारी. तो इसको हम यहां पे नोट डाउन करते हैं कैसे, अगर मान लो मैं दूसरा मैथड लगाने की कोशिश करूं तो यह भी तो लग सकता है. प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन अकर, एग्जैक्टली वन अकर इज 11/25. तो क्या बना हमारे पास, पी प्लस पी एफ माइनस टू टाइम ऑफ पी इंटू पी एफ अपॉन 11/25. यहां पे भी हमको यही चीज मिलती, कैसे, पी प्लस पी एफ, अगर ई और एफ दोनों, ये दोनों कैसी इवेंट हैं, ई एंड एफ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और इंडिपेंडेंट के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, टू पी इंटू पी एफ, आई विल एक्सप्लेन, 11/25. यहां से भी वही चीज आ रही है और यहां से भी वही चीज आ रही है. आइदर ये वाला रूल अप्लाई कर लो या ये वाला रूल अप्लाई कर लो, जैसा भी रूल अप्लाई करना चाहो आप कर सकते हो. तो देखो यहां पे, अब तो हमने एग्जैक्टली वन तो निकाल दिया, हमारे पास क्या आने वाला है प्रोबेबिलिटी में, अब हमें देखना है कि नन ऑफ देम अकर, नन ऑफ देम अकर में क्या होगा.
नन ऑफ दैम अकर। तो अब यहां देखते हैं हमारे पास क्या है, एक इवेंट ई है और दूसरा इवेंट एफ है, और यहां पे कॉमन एलिमेंट क्या था हमारे पास, ई इंटरसेक्शन एफ, राइट। और ये टोटल रीजन क्या है हमारा, दिस रीजन इज रेड रीजन, रेड पोर्शन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। हमारे पास यूनियन है और यहां पे हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ है। तो हमारे पास ये टोटल यून, अगर हमें नन ऑफ इवेंट्स निकालना है तो नन का मतलब ये हो गया, ये वाला पोर्शन जो ग्रीन है ये क्या है हमारे लिए, नन ऑफ देम अकर, ये हमारे पास क्या है, नन ऑफ देम अकर। तो ये कैसे निकलेगा, हमको पता है कि प्रोबेबिलिटी होने की प्लस ना होने की ये बराबर किसके होती है, वन के। इसका मतलब नन ऑफ का मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नन ऑफ देम अकर इज 2/25 इज गिवन इज। तो नन ऑफ देम अकर इज अ मीनिंग 1 माइनस 1 में से ये टोटल रीजन क्या है हमारा 1, इसमें से ई यूनियन एफ हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ बराबर 2/25। तो प्रोबेबिलिटी ई यूनियन एफ बराबर 1 माइनस 2/25 दिस इज 23/25। तो यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं, पी प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 23/25। अब पी प्लस पी एफ, अगर ये दोनों इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो दोनों इवेंट का क्या हो जाएगा, इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पी इंटू पी एफ बराबर 23/25, इक्वेशन नंबर 2 एंड देन इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, पी और पी एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे हम वैल्यू को कैलकुलेट करें तो बेटर रहेगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो यहां पे देखते हैं, दूसरी इक्वेशन हमें मिली, इक्वेशन नंबर 1, द प्रोबेबिलिटी पी प्लस प्रोबेबिलिटी पी एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 23/25, इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे देखिए यहां पे क्या होगा, तो हम क्या करें, अगर हम पी की प्रोबेबिलिटी को एक्स मान लें और पी एफ की प्रोबेबिलिटी को वाई मान लें, तो यहां पे क्या मिला हमें, एक्स प्लस वाई माइनस 2xy 11/25, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बराबर 23/25, इक्वेशन नंबर 2। एंड देन सॉल्विंग द इक्वेशन 1 एंड 2, देन एक्स इज 3/5, तो देन वाई करस्पॉन्डिंग 4/5, इफ एक्स इज 4/5 देन वाई इज 3/5, दैट्स अ मीनिंग, बिकॉज यहां पे दो वेरिएबल इन्वॉल्व हैं तो यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको देगा एक्स अगर 3/5 है तो वाई मिलेगी 4/5, अगर एक्स 4/5 है तो वाई मिलेगा 3/5। तो हम कह सकते हैं कि पी की वैल्यू 3/5 है तो पी एफ कितना होगा, 4/5, अगर पी की वैल्यू 4/5 है तो पी कितना होगा, पी एफ 3/5। अगर कोई तुमसे गेट में अगर आपसे यह पूछता है, या तो यह पूछ सकता है पी और पी एफ की वैल्यू बताओ, या क्वेश्चन यह भी कर सकता है कि पी डिवाइड बाई पी एफ का रेशियो क्या होगा, तो हम निकाल सकते हैं पी का रेशियो क्या है, 3/5 डिवाइड 4/5, दिस इज 3/4। आपके में मल्टीपल आंसर आएगा नहीं, या तो 3/4 भी हो सकता है और 4/3 भी हो सकता है, बिकॉज ई और एफ कैसी इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो आपको आइडिया ये लगाना है कि अगर कोई भी इवेंट एग्जैक्टली 1 अकर होगी तो हमेशा पी प्लस पी एफ माइनस 2 पी इंटू पी एफ 11/25। अगर नन ऑफ देम है, नन ऑफ देम इसका मतलब ये हुआ कि वो टोटल रीजन से हमने क्या कर दिया, उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो इसकी इक्वेशन बन गई 23/25। पी को अगर मैं एक्स ले लेता हूं, पी एफ को वाई ले लेता हूं, तो एक्स प्लस वाई बराबर माइनस 2xy 11/25 और एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बराबर 23/25।
25. इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं. सॉल्विंग करने के बाद हमें क्या मिला, क्योंकि बिकॉज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो x अगर 3/5 है तो y 4/5 होगा, अगर x 4/5 है तो y 3/5 होगा. तो p और pf की वैल्यू निकल आएगी और यहां पे हमें पता चल जाएगा कि p डिवाइड बाई, अगर हम pf भी निकालना चाहते हैं और उसका रेशियो निकालना चाहते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में जो भी आपसे रिलेटेड है. राइट, क्लियर.